हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम आपकी वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और आप लोग मैक्सिमम लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर न्यूमेरिकल की सीरीज का अगला पार्ट कब आएगा। तो आज न्यूमेरिकल की सीरीज का पार्ट फोर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी पार्ट के साथ यानी पार्ट फोर के साथ आपके पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखे हैं, वो पहले तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट फोर को देखिए और हर एक पार्ट शुरू से लेकर लास्ट तक यानी वीडियो को पूरा अंत तक आप देखा कीजिए। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज है इसमें हर एक पार्ट में न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये सारी चीजें वहां पे हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताई है। अगर ये न्यूमेरिकल सीरीज आप देखते हैं तो फिजिक्स में आपको मैक्सिमम अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितना नंबर 70 में यकीनन 70 में 70 भी पा सकते हैं अगर इस तरीके से जिस तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हुए चलते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है 17 तक जो है हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेते हैं, हमने आपको होमवर्क में दिया था, चलिए बता भी देते हैं। ठीक है, जो मिला लो आप लोगों का क्वेश्चन ये सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत करती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स यानी यहाँ पे आपको कुल वैद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ फाइव। ठीक है, फाइव इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपको ये चीज जो है गिवेन है। इसमें आपको निकालना क्या है, दो चीजें आपको निकालनी है। पहला निकालना बॉक्स के भीतर कुल आवेश कितना, यानी आपको Q का मान निकालना है। ठीक है, Q इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरी चीज आपको निकालना है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स जीरो हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों, यानी दोनों का हमें रीजन बताना है। हमें यह बताना है अगर बॉक्स के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, अगर है तो क्यों उपस्थित है, अगर नहीं है तो क्यों उपस्थित है। दोनों कंडीशन में हमें कारण बताना है, यानी बच के आप नहीं जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगेगा, दिमाग वहां पर लगाइए, क्या चीज हमको गिवन है, क्या निकालना है। एक चीज आपको दिया है फाइव और निकालना क्यू है, तो ऐसा कोई फार्मूला पहले चैप्टर में है कि जिसमें क्यू और फाइव दोनों एक दूसरे से संबंधित हो। हाँ भाई, अगर आप लोग पढ़े हो अच्छे से हर एक चीज, जो भी लेक्चर हम आपको बताए हैं अगर थ्योरी आपने अच्छे से देख रखा होगा तो एक नाम आपको याद आ रहा होगा, गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम क्या है, वही यहाँ पे यूज होगा। तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रूफ देखो, गॉस के नियम से भाई, गॉस का नियम क्या कहता है, कुल वैद्युत फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे आपको फाइ की वैल्यू दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, कहने का मतलब एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या बुक में दिया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है तो देखिए कैसे निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं 1/4πε₀, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻¹, ये आपकी होती है 1/4πε₀ की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान आपको नहीं पता कि कैसे हमें निकालना है तो पहले चैप्टर में हमने आपको एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकालना सिखाया था, एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकालनी सिखाई थी, हर एक चीज स्टेप टू स्टेप मैंने आपको बताया था जब आपका पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था। चलिए एक बार फिर बता रहा हूं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां कुछ नहीं है जो मेरे घर को। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका कुछ नहीं है तो बटे में आप ऑन कर लीजिए डिनोमिनेटर, अब कुछ मत करिए तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है,
इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, एक गुणे एक, भाई एक गुणे एक कहीं ना होगा, तो इसे हम लोग आपको दिखाने के लिए लिख दिया, लेकिन आपको लिखना नहीं उतना तो आपको पता ही है। इक्वल टू किसका इसमें करो, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे नौ गुणे दस घात नौ। अब हम लोग एक काम करते आए हैं क्लास सिक्स से ही कि हमें जिस चीज का मान निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक ही साइड में रखते हैं, उससे संबंधित जितने भी चीजें उस साइड होती हैं उसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, यानी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर कर दो, तो ये देखो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन शॉर्ट की गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ये भी गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 घात 9। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू रखूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 22/7 भी हम रख सकते हैं या इसको रख सकते हैं 3.14। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे वो वैल्यू आप रख सकते हैं, तो हम 3.14 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो रख के सॉल्व करो कितना आएगा, सबसे पहले काम करते हैं जो 10 की पावर है उसको लेके चले जाओ ऊपर। ठीक है, तो जो भी 10 की पावर है जब हम इसको लेके ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर तो वही रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/4 × ठीक है, ये इसको ले जा रहे हैं ऊपर, सबसे पहले ऊपर लिख लो -9, अब 4 का इसमें गुणा कर दो, एक एक स्टेप कर लो, इसमें गुणा करो कितना, 4 × 16 = 6 हासिल है 4 × 4। ठीक है, और एक हासिल आपका हो गया 5 × 4 = 12 कितना है, 12.56 × 9 और बच रहा। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर आपकी ऊपर चलेगी, अब 9 से इसमें गुणा कर लो कितना है, तो 9×6 = 54 हासिल 5 × 9 = 45 ठीक है, 45×5 = 50 हासिल 5, 9×2 = 18 5×23 = 3 हासिल 2, 9×1 = 9 2×11 ठीक है, 1 2 2 अंक पे 0.12 दो अंक हमने गिन लिया, 0.12 के ऊपर कितना बचा है, 1×10⁻¹। अब एक में इतने से भाग करना है, ठीक है, एक में इतने से भाग कर देना है, भाग करने के बाद जो आएगा वो आपके एप्सिलॉन नॉट का मान होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम डायरेक्ट भाग करके यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, अब आप लोग भाग कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट में कैसे भाग दिया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, हर चीज हम सिखाए हैं, और यहाँ पे भी हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि कुछ थोड़ा काम आप लोग भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कितना आएगा, हम लिख दे रहे हैं आंसर। ठीक है, तो इसको अब अगर आप सॉल्व किए होंगे तो सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻¹। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं, तो यहां से देखो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमसे ए में पूछ रहा था 5×εr, 5 की वैल्यू दिया कितना दिया 8×10³ गुड़े एप्सिलॉन नॉट का मान, वहां देखो अभी भी निकाला गया है कितना आ जाएगा 8.85 × 10⁻¹². सबको गुणा कर लो, इधर देखो पहले 10 की पावर वाले को देखो, 10 की पावर प्लस 3 10 की पावर माइनस 12, तो इन दोनों का अगर हम बीजगणितीय सम लेंगे तो कितना आ जाएगा -9। ठीक है, तो गुणे 10⁻¹². अब इसका इसमें गुणा कर लो, 8×5=40 हासिल 4, 8×5=64 और 64×4=68 हासिल 6, 8×5=64 और 64×6=70 एक दो अंक पे दशमलव लगा लिया, दशमलव को एक अंक अगर और आगे ले आते हैं तो 7.08×10⁻¹ हो जाएगी, तो -9 में प्लस एक करेंगे कितना जाएगा -8, पावर एक बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाने का मतलब है नहीं उठा के -10 कर दो बढ़ गए, ठीक है, तो बढ़ जाने का मतलब होता +1। ठीक है, तो जब भी पावर में नेगेटिव चीजें रहे तो घटने और बढ़ने का जहां भी आपको ये चीज याद हो
कि बढ़ेगा घटेगा, तो वहां पे बढ़ेगा घटेगा मतलब जैसे 10^-9 है, हमने कहा दशमलव को पीछे से आगे ले आते हैं, तो जितना अंक खिसकाते हैं उतनी पावर बढ़ती है। तो एक अंक यहाँ पे हमने जो खिसकाया है, एक अंक आगे ले आया, तो एक पावर बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आया, प्लस वन करेंगे। अब हमने देखा है कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर बढ़ेगी तो उठा के बढ़ा दी भी। अब बताओ बढ़ाने का मतलब ये नहीं इसको माइनस दस के, ये बढ़ा कि छोटा हुआ भाई, -9 और -10 कौन बढ़ा, यही बढ़ा, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी घटने और बढ़ने का क्रम है तो इस तरीके से बढ़ रहा तो प्लस वन लिखो, घट रहा तो माइनस वन। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। -8 मात्रक क्या बनेगा, क्यू, क्यू का मात्रक क्या आएगा, कूलम, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर निकल गया। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा पूछ रहा था कि अगर उसके बाहर, ठीक है, बाहर कोई नेट वैद्युत फ्लक्स जो है अगर जीरो है, जैसे मान लो ये कोई हमारा बॉक्स है इस तरीके से, कोई घन था, ठीक है, अब पूछ रहा है कि बाहर जो नेट वैद्युत फ्लक्स है वो जीरो है, तो क्या अंदर कोई आवेश यहां पर होगा कि नहीं होगा। यहां अंदर आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, लेकिन दोनों का रीजन जान लो क्यों। अगर यहां पर कोई आवेश उपस्थित है तो देखो जितनी वैद्युत बल रेखाएं ऊपर से जाएंगी उतनी ही नीचे से चली जाएंगी, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाले मिलकर कैंसिल कर देंगे, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स मिलकर जीरो हो जाएगा। और वैसे भी जीरो हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, φ = q/ε0, यानी अगर आपके फाई का मान जीरो है, अगर आपके फाई का मान जीरो है तो क्या चीज आपका जीरो बन रहा है, q = 0, यानी आपका आवेश वहां पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। किसी भी पृष्ठ से अगर मिलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आपका जीरो है तो वहां पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं, ठीक है। तो दूसरे का आंसर मिल गया, तो दूसरे का आंसर आपको राइट करना है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई उसमें जो है कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया, ओरली हमने आपको समझा दिया, आप लोग आंसर राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, कह रहा है चित्र बनाया हुआ, सबसे पहले हम आपको फिगर बना देते हैं, इस तरीके से फिगर बना हुआ, ठीक है, यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपका है 5 सेंटीमीटर और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर दोनों, क्योंकि ये हमारा क्या है बर्फ है। इस तरीके से फिगर बना हुआ और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी यहां पर, ठीक है, ये आपके वर्ग का एक साइड दिया गया है, वर्ग तो आपका नॉर्मली इस तरीके से बनता है, ठीक है, आपका ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने आपका क्या किया है, नीचे वाली साइड बनाई, ये जो नीचे नीचे वाला साइड बनाया है और नीचे वाली साइड से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां कहीं आपका वर्ग के बिल्कुल अंदर जो है 10 μC का आवेश रखा गया, ठीक है। तो कितने μC का आवेश है, क्यू का मान कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, क्यू बराबर दिया है 10 μC। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते समय फार्मूले में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो हमेशा SI मात्रक ही पुट करोगे, ठीक है, और Q का SI मात्रक होता है कूलाम, लेकिन यहां पे आपका जो यूनिट दिया है वो दिया है माइक्रो कूलाम, तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, यानी SI मात्रक में, SI मात्रक इसका आपका होता है कूलाम, तो 10 μC बराबर होता है 10^-6 कूलाम, ठीक है। अब ये आपका SI मात्रक में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखो,
इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो भैया देखते हैं इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब एक बात और नोट कर लीजिए, ठीक है, आवेश आपको दे दिया है तो वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, खट से आपका दिमाग काम करेगा। गॉस का नियम, तो गॉस का नियम लगाइए, ठीक है, गॉस का नियम लगाइए, लेकिन गॉस के नियम को लगाते ही आपका आंसर मिलेगा नहीं, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अब वो भी बता रहा हूं क्यों नहीं मैच करेगा, ध्यान से क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा नहीं है। कहां मिस्टेक हो रही क्वेश्चन को समझने में, देखिए ध्यान से देखिए, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह हर बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं जो यहाँ पे आप मिस करते हैं। ध्यान से सबसे पहली यहाँ बात कह रहा कि वर्ग से, ठीक है, किससे, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका घन, ठीक है, ये क्या आपका घन है, और क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग से, तो घन की जो साइड होती है वो वर्ग होता है, ठीक है, घन की जो साइड होती है वो वर्ग होता है, घन वर्ग नहीं होता, ठीक है। वर्ग बोला कि नहीं, ये जो आकृति आपकी बनी है इससे आप पूरा वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, ठीक है, क्योंकि फाई जो आप निकालोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे घन का होगा, ये पूरे घन का होगा, लेकिन आपसे पूछा वर्ग का, तो वर्ग का मतलब होता है घन की एक साइड, और घन में टोटल कितने साइड होते हैं, छह, यानी ये जो निकल रहा है, ये जो निकल रहा है पूरे का निकल रहा है, यानी एक वर्ग से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, छह से भाग करना होगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो चलो कर लेते हैं। तो फाइडस यानी अगर हम मान लें कि वर्ग के एक भुजा से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइडस है, तो फाइडस बराबर क्या हो जाएगा, फाइव बाई सिक्स। तो पहले फाइव का मान कैलकुलेट करते हैं, क्यू का मान दिया है दस गुणे दस भाग माइनस छह, एप्सिलॉन नॉट का मान अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया गया कितना, 8.85, और एक अंक और मन कर रहा हो लिखने का तो वो लिख लो, 4 होता है गुणे 10 भाग माइनस 12। अब इसको सॉल्व करना है, इसको ले जाओ पहले 10 के पावर वाले को, ऊपर ले जाएंगे यहाँ माइनस 12, ऊपर जाएगा प्लस 12, तो माइनस 6 प्लस 12 प्लस का 6, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया 10 के पावर प्लस 6, तो 10 गुणे 10 के पावर प्लस 6 बटे 8.854। अब 10 में इससे भाग कर लेना है, देखो भाई कितना आता है, चलो करके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने भाग कहा था आप लोग कर लीजिएगा ना, चलिए इसमें कर दे रहे हैं, क्योंकि सारा मेहनत आप ही लोगों से नहीं कर पाएंगे, कुछ खुद कर देंगे, नहीं बोलोगे सर जी सारी मेहनत हम ही लोगों से करवाते हैं, चलो कि भाई आप लोग इतने बोले ना, हमको थोड़ा सा दया आप लोगों पे लगती है, ठीक है। चलो देखो 10 में भाग करना, किससे भाग करना है, 8.854। तो भाग करने का सिंपल सा रूल है, दशमलव वाली संख्याओं से जब भाग करना होता है तो गिन लो 1, 2, 3 अंक पे दशमलव, चुपचाप यहाँ 3 0 बढ़ा दो, दशमलव हटा दो, दशमलव का काम खत्म, ठीक है। अब किसमें जो है कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8.854 घटाओ 6, 4, 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ दशमलव, अब कितनी बार जाएगा, अभी भी एक ही बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा, तो ले जाओ भाई दो बार करोगे, देखो 8 × 16 यहाँ है 11, यहाँ हो जाएगा 16, तो ज्यादा हो गया ना, तो इसीलिए एक ही बार जाएगा, फिर घटाओ 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ ठीक है 14, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे हो गया आपका 10 बचेगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब आपका लगभग 8 × 16 दो बार जाएगा, 8 × 3 = 24 अगर हम ले जाना चाहें तो नहीं जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं, 3 बार ले जाके कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 1 0 अपने आप आएगा क्योंकि दशमलव लगा है, तो 4 × 12 = 2, 5 × 15 = 16, 8 × 3 = 24, 24 × 25, ठीक है, 5 × 2 = 8, 3 × 24 = 2, 26, देखो ज्यादा हो गया ना, 3 बार ले गए तो ज्यादा होगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आपका आया 1.12 गुणे 10^6, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम,
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, फाई का मान, किसका मान, फाई का। ठीक है, तो फाई का मान हमने निकाल लिया, लेकिन हमें पूछा है वर्ग की एक भुजा से, तो वर्ग की एक भुजा से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई डैश बराबर फाई बटे छे। छे से क्यों भाग किया गया, आपको पता है कि वर्ग में छह भुजाएं होती हैं और एक एक भुजा से पूछा, एक भुजा का निकालने के लिए हम छह से भाग कर देंगे, तो फाई डैश बराबर 1.12 गुणे 10^6 बटे 6, तो कितनी बार जाएगा, 6×6 52 हो जाएगा, 8×6 48 दशमलव लगेगा, 0.818 गुणे 10^6 या 1.8 गुणे 10^5। जब दशमलव को हम आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर एक कम हो जाती है, तो 6 है तो 6 में से एक कम करोगे यानी -1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर निकला। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, उसमें क्या पूछता है देखते हैं। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है आपका, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो घनीय गॉसियन पृष्ठ यानी घन बना हुआ आपका। ठीक है, और इस घन की एक साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका घन है और इसके केंद्र पर यानी सेंटर पर 9 क्या है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का यहाँ आपका आवेश उपस्थित है, क्यों यहां पर आपका अंदर है, क्यों को मान दिया है 2 माइक्रोकूलम, और इस घन के एक साइड की भुजा जो आपकी दी है कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस का नियम, और हमसे कह भी रहा कि कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला यही है, इसमें वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो, क्यू का मान दिया है, और ध्यान रखना ये मत कर देना कि 2 माइक्रोकूलम दिए तो क्यू की जगह 2 माइक्रोकूलम रख दें, उसको सबसे पहले क्या करना है, इस मात्रक को SI मात्रक में बदलना है, तो SI मात्रक में बदलोगे तो 2×10^-6 हो जाएगा कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो 8.854×10^-12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब सारी चीज यहां पर आप रखिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। मान लेते हैं यहां कहीं हमारा कोई एक बिंदु है, यहां पे कोई आवेश है, इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आपकी त्रिज्या का कोई मतलब है, त्रिज्या का कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, फार्मूले में आपका त्रिज्या का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो आगे देखते हैं फिर ये त्रिज्या हमें दी क्यों है उसको देखते हैं। नेट वैद्युत फ्लक्स फाई का मान भी आपको दे दिया है, फाई का मान इसमें दे दिया है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू दिया हुआ है -1×10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, आपका ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्या फ्लक्स बदलेगा या फ्लक्स का मान कितना होगा, तो भैया चाहे त्रिज्या आप 2 गुनी करो या 4 गुनी करो या 10 गुनी करो। ठीक है भाई, जब फार्मूले में आर वर्ड है ही नहीं है, त्रिज्या का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो त्रिज्या बदलने से उसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि
त्रिज्या का मान दोगुना करने पर फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है जिसमें कि त्रिज्या का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, अगला क्या निकालना है कि बिंदु आवेश का मान, हाँ आपसे क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्यू का मान इसमें पूछ रहा है। तो क्यू का मान निकालने के लिए क्या करोगे? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन इस सीरीज का करवाया था यानी आज के इस वीडियो का, बिल्कुल उसी पे रखना है और सब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है। देखिए भाई, देखिए जिसके पास अभी तक बुक नहीं है यार, आप लोग एनसीईआरटी की बुक खरीद लो। ठीक है, और हाँ जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर मित्तल का न्यूमेरिकल कराइए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराइए, कोई कहता नहीं सर एनसीईआरटी चलने दीजिए, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मित्तल का भी करवा दीजिए, सर हम मित्तल से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा कहना हर एक बच्चे से है, यहाँ पे हम किसी को पर्टिकुलर फोकस नहीं, यहाँ पर हर एक बच्चा हमारे लिए बिल्कुल समान है। हम उतना ही प्यार हर बच्चे को करते हैं जितना कि जो हमारे टॉप 100 बैच में जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो नहीं जुड़े हुए उनको भी, उनका भी हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप चाहे मित्तल से क्वेश्चन लगाइए या फिर एनसीईआरटी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उसके लिए हम खड़े हैं, आप पूछिए, हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जहां भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। अब हम हर एक एक क्वेश्चन, हर एक बुक का, हर एक अलग अलग प्रकाशन का क्वेश्चन करा पाए ये जो है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, क्वेश्चन कराएंगे तो आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की नहीं हो पाएगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मित्तल वाले आप लोग मित्तल से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और जो भी क्वेश्चन फंसता है उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर फोटो खींचकर भेज दिया करो, हम उसको बता देंगे, कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। आगे देखो, या नहीं तो टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहां पे भेज दो टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में मेंबर पे जाओ, पर्सनली जो है मैसेज कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है, क्यू का मान ज्ञात नहीं, पहले बोल दिया अज्ञात है, तो क्यू समझ जाओ निकालना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, कितना है? एक दशमलव 5×10³ न्यूटन पर कूलम, यह वैद्युत क्षेत्र का मान दिया। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को हम बता क्यों रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 30% सिलेबस में कैंसिल हो गया। ठीक है, जो आपका 30% का सिलेबस हटा है वो टॉपिक यही है, अचालक गोले वाला टॉपिक आपका हट गया। तो जब अचालक गोले का आपका टॉपिक हट गया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी अचालक गोले का है तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये जो है अचालक गोले का नहीं है, रेखीय यानी रेखीय आवेश घनत्व यानी कि अनंत लंबाई के चालक तार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, 21 22 दोनों नहीं आएंगे। 23 कह रहा कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ऐसे ही हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, ये इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना है? 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतना वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न करता है। पूछ रहा है रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान, ठीक है लैम्डा इज इक्वल टू हमको निकालना, तो लैम्डा बराबर होता क्या है? क्यू बाई एल। ठीक है, और वैसे भी वैद्युत क्षेत्र रैखिक अनंत लंबाई के, ठीक है अनंत लंबाई का अगर कोई आपका आवेशित चालक तार है तो उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपका होता है वो कितना होता है? E बराबर 1/4πε0 × 2λ अपान क्या होता है? L।
टू लैम्डा बाई एफ, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसी में वैल्यू पुट करनी है और सारा सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। अब चाहे आप यहाँ एल लिखो या आर लिखो, जो आपको अच्छा लगे हम आर लिख देते हैं, ठीक है। आर का मान कितना है, ये आपका आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। तो भैया लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर तो होता नहीं, होता क्या है मीटर, किसको मीटर में बदलो, तो कितना हो जाएगा आर बराबर 2×10⁻²⁰ मीटर आर का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई 9×10⁴, इसकी वैल्यू 9×10⁹ गुणे 2 लैम्डा बटे आर का मान 2×10⁻²। मतलब लैम्डा का मान पूछ रहा। अब देखो सब कुछ वैल्यू आपकी रख दी गई है, आपको लैम्डा का मान निकालना है, तो सबको इधर भेज दो, लैम्डा को उसी साइड रख दो। इस 2 से ये 2 आराम से कट गया, इस 9 से ये 9 आराम से कट गया, ठीक है। इधर बचा क्या, 10⁴, 10⁻⁹ इधर बचा, तो ये इधर गुणे में इसको भेजेंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस का मतलब हो जाएगा इधर जाएगा तो भाग में होगा, अब भाग में नहीं बटे में आएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर बचा 10⁴, इसके नीचे ये आ जाएगा 10⁻। पक्षांतर समझ में आ रहा है ना भाई, अगर यहाँ गुड़े में दूसरी साइड जाएगा भाग में जाएगा, ये भाग में इधर आएगा गुड़े में, गुड़े 10⁻²। सॉल्व ये ले जाओ, तो 10⁴ है, -2 है, ये ऊपर जाएगा, ये भी -9, ठीक है। सॉल्व करो कितना गया, तो 9 2 11 11 में से 7 4 गया 7, ठीक है। और साइन हमेशा बड़े का लगेगा, बड़े कौन सा, -7, ठीक है। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा, मात्रक क्या होगा, तो ये मात्रक यहां से डिसाइड करो, लैम्डा बराबर Q/F, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा काम है, यानी कि होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको खुद से ट्राई किए, अगर लगा लिए तो बहुत अच्छी बात, एडवांस में आप जो बच्चे लगा लेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और जो नहीं लगा पाएंगे, बिना डरे हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले।